से लगातार जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में टोल प्लाजा पर एक पशु चिकित्सक 27 वर्षीय के साथ जो जिस तरह से उसके साथ पहले रेप किया गया फिर उसको जला दिया गया, ये जघन्य हत्याकांड हुआ है और ये मानो कहीं ना कहीं इंसानियत व समाज के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। ये एक हत्याकांड कहीं ना कहीं हमें निर्भया हत्याकांड की याद दिला रहा है कि हमारे देश में बेटियां कहां तक सुरक्षित हैं। जहां तक कि हमारी सरकारें हमारी पुलिस प्रशासन दावा करते हैं कि बेटियां हमारे देश में पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ भाजपा नेता रवि अगरिया जी, हम उनसे जानना चाहते हैं इस पूरे जघन्य हत्याकांड में कि उस एक बेटी की पहले इज्जत लूटी गई और फिर उसे जलाया गया, कहां तक ये जघन्य हत्याकांड कितना कहीं ना कहीं ये इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। आइए अगरिया जी। बड़ी दुखद घटना है, सारा देश इस घटना से बड़ा दुखी है और आपने जैसा कि देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आपने देखा होगा कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं और आप देख रहे होंगे कि यहां कितनी सख्ती से महिला सुरक्षा के लिए बड़े सख्त कदम उठाए गए, और जिसमें आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के मुखिया प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में कहीं कोई घटना महिला से संबंधित हो तो उनके लिए अलग से हेल्पलाइन नंबर, उनकी सुरक्षा के बड़े बंदोबस्त, और ऐसी स्थिति बना दी है उत्तर प्रदेश में कि महिलाएं पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। यही सफलता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ की है। जैसा कि तेलंगाना में जो घटना घटी है उससे इस देश को और ऐसे समाज को जिसके बीच में जो घटना हुई है उस सबको शर्मसार किया है इस घटना ने। और मैं तो इस बात को कहूंगा कि हमारी बेटियों को जैसे को तैसा जवाब देने की तैयारी करना चाहिए। कहीं कोई घटना हो ऐसे लोगों को हमें इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि पुलिस आएगी जे होगा। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी घटना करे और संदिग्ध स्थिति में पाया जाए तो हम तो ये चाहते हैं हर गांव-गांव में समितियां बनाई जाएं और जैसे को तैसा की स्थिति पैदा करना चाहिए। जब हमारी बहनों को कोई भी व्यक्ति योजना बनाकर कहीं नुकसान पहुंचाना चाहे। करिया जी एक मिनट रुकेंगे, कहीं ना कहीं एक बेटी इंसाफ मांग रही है, हम उस पहलू पे आ रहे हैं, आपको सीधा सीधा हम बता रहे हैं कि एक बात आप ध्यान रखें कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो विदेश की धरती से आगाह करते हैं, कहते हैं कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रहे हैं, हमारे देश में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं, विदेशी धरती से दावा कर रहे हैं, और जबकि धरातल पे हिंदुस्तान में कई ऐसे अपराध हो रहे हैं, कई बेटियां कहां तक सुरक्षित हैं, बताइए आप। इस घटना के बाद तो आप प्रश्न चिन्ह कहीं ना कहीं लग रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि उस क्षेत्र के जो भी लोग इस घटना में लिप्त हैं या जिनकी भी भूमिका ऐसे आरोपियों को बचाने में है वो भी उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए। मैं देश के विद्वान अधिवक्ताओं से अनुरोध करूंगा कि ऐसे कुकृत करने वाले ऐसे घृणित कृत करने वालों का कोई बचाव ना करें। इनकी मैं सभी अधिवक्ताओं से सम्मानित अधिवक्ताओं से अनुरोध करूंगा कि ऐसे घृणित कृत करने वालों की आप पैरोकारी ना करें, ऐसे लोगों का केस ना लड़ें, ऐसे लोगों के लिए सख्त से सख्त सजा दी जाए। और मैं तो उस जनता से भी कहूंगा जिस समाज में रहती है वो बेटी, जहां वो टोल प्लाजा है, आसपास के जो गांव के लोग हैं वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी बहनों के लिए महिलाओं के लिए उदासीन है। अगर महिलाओं के लिए बहनों के लिए उदासीन ना होते तो ऐसी घटना नहीं होती। हमारे बुंदेलखंड की पावन धरती में हमारे यहाँ कहीं भी बेटी किसी भी जिले से दूसरे जिले में जाती है और बड़ा सुरक्षा का अनुभव करती है, क्योंकि हम यहाँ बेटियों की पूजा करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ ऐसी कोई घटना
होती नहीं है। आपसे सीधा सीधा सवाल करना चाहते हैं कि क्या सजा किस हद तक होना चाहिए उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए? कहीं ना कहीं समाज को जागरूक करने का समय आ गया है कि लोगों को जहां वो घटना घटी है जहां उसका पूरा प्रशासन जिम्मेदार होना चाहिए, उसका पूरा प्रशासन को बिल्कुल बर्खास्त करना चाहिए। देखो, वो हमारी बेटी, हमारी बहन विद्वान मतलब चिकित्सक थी, जैसा कि हमें जो जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है, तो वहाँ की जो पुलिस व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है कि हमारी बेटी ने सहायता मांगी, और वहाँ के आस पड़ोस के लोग भी घेरे में जिन्होंने ऐसी घटना हुई, और उसने जो व्यक्ति के साथ जब कोई लोग घेर लेते हैं, जब वो महिला असुरक्षा महसूस करती हो है, तो उसने निश्चित समाज के कई लोगों को आवाज़ लगाई होगी, कई लोगों को पुकार की होगी, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उसकी मदद नहीं हो पाई। हम सब दुखी हैं, और मैं तो आपकी जो बात आपने कही है इससे पूरा हिंदुस्तान दुखी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे लोगों के लिए हमको समाज के हर वर्ग में एक टीम बनाकर ऐसे लोगों को, दोषी लोगों के खिलाफ संदेह, जो संदिग्ध लोग हैं, उनकी सूचना पुलिस में देना चाहिए, और वहाँ के प्रशासन से भी आगाह करूँगा कि ऐसे लोगों को सूचीबद्ध कर, अपराधी प्रशासन और पुलिस से मैं ये कहूँगा कि पुलिस का भय जनता के सामान्य वर्ग में नहीं होना चाहिए, पुलिस का भय अपराधियों में दिखाई देना चाहिए। ऐसी कार्यप्रणाली पुलिस की होना चाहिए, और जो SP DIG जो भी अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ निश्चित कार्रवाई होना चाहिए। यही आपके माध्यम से मैं वहाँ के प्रशासन और शासन को कहना चाहता हूँ। हैदराबाद में जो एक घटना हुई है जिसमें एक पशु चिकित्सक के साथ, जिसकी उम्र 27 वर्ष थी महज, उसके साथ कृत्य किया गया और फिर जला दिया गया, कहीं ना कहीं समाज कहाँ जा रहा है? ये वास्तव में एक हृदयविदारक घटना है, और कहीं ना कहीं ये समाज की एक दूषित मानसिकता का प्रतीक है, और इस प्रकार की घटनाएं आने वाले समय में समाज के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होने वाली हैं। और मैं तो कहता हूँ कि ऐसी घटनाओं पर बड़ी सख्ती के साथ अंकुश लगाया जाना चाहिए, और इस प्रकार की घटनाओं में लिप्त जो भी दोषी हैं, अपराधी हैं, उनको आगे आने वाले लोगों के लिए ये एक मिसाल बन जाए, एक उदाहरण बन जाए कि कोई भी ऐसा कृत्य करने से पहले 4 बार सोचे। वास्तव में ये निंदनीय है और बहुत ही हृदय विदारक घटना है। ये जो हैदराबाद में जो घटना हुई है बहुत ही हैवानियत भरी घटना है, और मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूँ, घोर आलोचना करता हूँ, और सरकार भी कहीं ना कहीं इसमें नाकाम है। एक और तो हम लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर आज बेटियां ही अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। तो मेरी तो यही उम्मीद है शासन से, प्रशासन से, कि ऐसे हैवानियत भरे ऐसे अपराधियों को घोर से घोर सजा दी जाए, और मृत्युदंड तो इनके लिए बहुत मामूली सजा है, इन्होंने उस लड़की को दिया, कहीं ना कहीं ऐसा दंड दिया जाए जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बने। नहीं, सबक बनना चाहिए आदमी, तभी तो जो हैवानियाँ छूटेगी आदमी के दिल से। अपराध का कोई, सजा का कोई खौफ है ही नहीं अपराधियों को, उन्हें कुछ नहीं, अपने गए जेल, फिर बेल हो गई, अपने छूटा है, बाहर आ गए। तो कहीं ना कहीं इसमें समाज तो इसकी सोच जिम्मेदार नहीं है तपाड़ी जी, एक कहाँ तक बेटियाँ सुरक्षित? खासतौर से तो जो जहाँ तक मुझे घटना की जानकारी है कि वो लड़की टोल प्लाजा पर भी गई, तो टोल प्लाजा के कर्मचारियों से भी पूछताछ करना चाहिए, और इनकी सब लोगों की जांचें होना चाहिए। मेरे अंदाज में जहाँ तक जितने भी टोल प्लाजा पे कर्मचारी हैं, सारे अपराधी किस्म के लोग वहाँ पर रहती हैं। निश्चित तौर पर एक पशु चिकित्सक जिसकी पहले रेप किया गया, फिर हत्या की गई, जघन्य हत्याकांड, जिसकी चीख आज हिंदुस्तान के हर कोने में सुनी जा रही है, यह कहीं ना कहीं आज हमारे लिए, समाज के लिए, सभी वर्गों के लिए, प्रशासन के लिए, और यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के लिए ये कहीं ना कहीं ये प्रश्न छोड़ के गई है। बेटी ये लौट के तो नहीं आ सकती, पर ये कई सवाल छोड़ के गई है इस समाज के लिए, आने वाले समाज के लिए, आने वाली कई पीढ़ियों के लिए, आने वाले वक्त के लिए, कि क्या ये प्रश्न कर रही है कि आने वाले समय में हमारे देश में बेटियां किस हद तक सुरक्षित हैं, क्या हमारे इस देश में
एक बेटियों की इसी तरह इज्जत लूटी जाएगी और इसी तरह उन्हें जला दिया जाएगा। एक पंचर, केवल पंचर हो गई थी उस बेटी की गाड़ी, और पंचर होने की वजह से उसकी जिंदगी केवल एक पंचर पर जाकर खत्म हो गई। ये काफी सोचने वाली बात है, प्रशासन की बात है। उस टोल प्लाजा पर कितने लोग नहीं होंगे, किसी ने मदद क्यों नहीं की? आखिर कब हमारा समाज जागेगा? जब तक हम, हमारा समाज, हम सब युवा वर्ग समाज जागेंगे नहीं और अपनी बेटियों का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक हमें इस देश में बेटियों की चीख इस तरह सुनाई देती रहेंगी।